नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है आज तारीख है आपकी 8 फरवरी 2021 एक प्रश्न कमेंट सेक्शन में आपका आ रहा था डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के संदर्भ में कि डीएलएड 18 बैच और बाकी जो अवशेष बैच है उनका जो चतुर्थ सेमेस्टर का हाल ही में दो तीन चार फरवरी को पेपर हुए हैं उसका रिजल्ट जो है वो कब तक आ सकता है तो देखिए सबसे पहले तो एक न्यूज आर्टिकल की बात करते हैं जिसमें हाल ही में आपका जो पेपर वायरल और लीक की घटनाएं हुई थी उसके संदर्भ में न्यूज प्रकाशित हुई थी थोड़ा सा जूम कर देते हैं तो उसी में लिखा था यूपी डीएलएड के पेपर जो है वो लीक की पुष्टि नहीं परीक्षा शुरू होने के बाद वायरल हुआ था पर्चा तो ये आपकी न्यूज प्रकाशित हुई थी और इसमें उन्हीं सब चीजों को लेकर बात की गई थी जो हम पहले बात कर चुके हैं पर इसी न्यूज में ही अगर आप थोड़ा सा इस साइड पर ध्यान देंगे तो लिखा हुआ था कि सचिव जो है उन्होंने ये बताया कि परीक्षा गुरुवार को पूरी हो गई है और अब जल्द ही मूल्यांकन शुरू कराया जाएगा और परिणाम भी जल्द आएगा एक्चुअल में आपके जो चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा हुई है इनमें संख्या जो है बहुत ज्यादा कम थी तो पूरे पूरे आसार है आपका जो रिजल्ट है वो अगले दो माह तक में मैक्सिमम और मिनिमम आप एक से डेढ़ माह कह सकते हैं यानी जो मार्च माह है उसमें आने के पूरे पूरे संभावना रहेगी तो आप एक उम्मीद के तौर पर जो मार्च माह है उसी के लास्ट वीक तक आप अपना जो रिजल्ट है एक एक्सपेक्टिंग डेट के तौर पर देख सकते हैं रही बात अगर इस लीक प्रकरण की तो इसमें किसी भी प्रकार का लीक की पुष्टि यहां पर भी लिखा है मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो नहीं निकल कर आया था पीएनपी की तरफ से तो अब ये कंफर्म हो गया कि परीक्षा किसी भी प्रकार से दोबारा नहीं होगी बाकी बात करें अगर मूल्यांकन की तो मूल्यांकन के संदर्भ में जब डाइट को कॉपियां भेजी जाती है तो वो भी जारी किया जाता है तो इस तरीके की कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आएगी मैं आपको सूचित अवश्य करूंगा तो यही था हमारे आज के इस अपडेट में वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हों तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक नमस्कार थैंक यू फॉर वॉचिंग